बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा से हमारी प्रकृति ही देती आई है, उन सब चीज़ों की हमें देखरेख करनी है, उनको सुरक्षित रखना है। हाथी और भंवरे की दोस्ती, दोनों ही जंगल में रहने वाले हैं। जंगल में रहने वाले हाथी और भंवरे ने किस प्रकार दोस्ती की, ये पता चलेगा हमें इस कहानी को पढ़कर। लेकिन इसके साथ साथ एक मैसेज और भी देना चाहूँगी कि हम अपनी प्रकृति से कैसे दोस्ती कर सकते हैं, यही चीज़ हम अपनी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार कुछ भंवरे शहद पीने के लिए फूलों पर गए। उन भंवरों में से एक भंवरा बहुत ही लालची था, और लालच हमेशा इंसान को बुरी ही संगति में डालता है, उसका बुरा ही होता है। अगर यह बात हम सब समझ जाएं तो हम कभी लालच ना करें और हम कभी मुसीबत में ना पड़े। अब देखिए कि उसके जितने भी साथी उसके साथ गए थे वो सब रस पीकर वापस चले गए, लेकिन ये भंवरा रस पीने में इतना मस्त रहा कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि बाकी सब कब चले गए और मैं अकेला छूट गया हूँ। रात हो गई थी, कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गई। इससे बेखबर बेचारा भंवरा सो गया। जब उसने आंखें खोली, अरे आंखें खोलकर उसने देखा तो क्या अंधकार, जो कि रात में होता ही है। हर तरफ अंधेरा हो चुका था। वो बहुत दुखी हो गया, रोने लगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो कोई साथी भी नहीं है, रात हो गई है, अब तो कमल भी नहीं खुलेगा, वो तभी खुलेगा तब सूरज बाहर निकलेगा, और सूरज तो सुबह ही निकलेगा, और अब मुझे इसमें ही बंद रहना होगा। किसमें? कमल के फूल में। लेकिन ये देखिए, उम्मीद की एक किरण आई, हाथियों का झुंड। उसमें इतने सारे हाथी थे और वो झुंड उधर ही आ रहा था जिधर वो नन्ना भंवरा फूल के अंदर बैठा था। वे सब तालाब में नहाने लगे, खेलने लगे। तभी एक हाथी ने कमल का एक फूल तोड़ लिया। ये देखिए, ये हाथी कितना खुश हो रहा है इस कमल के फूल को पाकर। अब आप देखिए कि उसने क्या किया, उस फूल को तालाब में फेंक दिया। बेचारा भंवरा उसी फूल के अंदर बंद था, ये फूल अब भी नहीं खुलेगा, वह रोने लगा। उसे लगा अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है। नहाने के बाद हाथियों का झुंड वापस लौट गया। आप देख रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद एक नन्ना हाथी वहीं रुक गया। एक नन्ना हाथी उस घास में रोने की आवाज़ सुनने लगा। उसे सुनाई दे रहा था कि शायद यहाँ पर कोई रो रहा है, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, वो इधर उधर तलाश कर रहा है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि वहाँ एक कमल का फूल पड़ा है जिससे रोने की आवाज़ आ रही है। हाथी ये देखकर अचंभित हो गया कि फूल कैसे रो सकता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में फूल के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। नन्हे हाथी ने अपने सूंड से कमल का फूल खोल दिया, क्योंकि उसको जिज्ञासा हो रही थी कि जो मैं सुन रहा हूँ अगर वो सत्य है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो दुख में है, तकलीफ में है। क्योंकि हम लोग तभी रोते हैं जब हम दुख में और तकलीफ में होते हैं, खुशी में कोई नहीं रोता है। जब हाथी ने प्रयास कर कमल के फूल को खोला तो एक भंवरा झट से बाहर कूदा, और ये देखिए भंवरा कितना खुश है, कितनी खुशी है इसके चेहरे पे कि मैं वापस बाहर आ गया। हेलो नन्हे भंवरे, हाथी बोला। हेलो नन्हे हाथी, भंवरे ने बोला, और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों खुश हो गए, दोनों पक्के दोस्त बन गए, क्योंकि हाथी ने भंवरे की
जान बचाई और इनाम में उसने भंवरे की दोस्ती पाई। अब जो इस कहानी से संदेश निकल के आ रहा है वो ये संदेश है कि हम सब अपनी प्रकृति को अपना दोस्त बनाएं। कैसे बना सकते हैं दोस्त? देखिए, प्रकृति हमारी वो माँ है जिसने हमारी माँ से भी पहले हमारी नानी, हमारी परनानी, सदियों से चले आ रहे हमारे रिश्ते को सींचा है, जन्मा है, पाला है, पोसा है और आज हमें यहाँ लाकर खड़ा किया है। तो इस प्रकृति के लिए, इस पृथ्वी के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। क्या हैं वो जिम्मेदारियाँ? यही कि हमें जो भी हमारी पृथ्वी पर पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पेट्रोल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा से हमारी प्रकृति ही देती आई है, उन सब चीज़ों की हमें देखरेख करनी है, उनको सुरक्षित रखना है। क्योंकि आज हम तो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हमारी प्रकृति उस चीज़ को हमें दे रही है, लेकिन अगर हमने उसको सही तरह से नहीं किया यूज़, तो वो आने वाले कल में जो हमारी पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, वो इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम अपनी आने वाली विरासत को ये धरोहर सौंपेंगे जो हमारी प्रकृति ने हमें दी है, या उनसे इस अधिकार को छीन लेंगे? ये प्रश्न आप सबके सामने है। तो जिस प्रकार हाथी और भंवरे ने अपनी दोस्ती निभाई, एक दूसरे की जान बचाई, उसी प्रकार हम सब भी मिलकर अपनी एक दोस्ती पक्की करते हैं प्रकृति के साथ, और प्रकृति के साथ साथ अपने आने वाले उन बच्चों के साथ जो इस दुनिया में आने वाले कल में आएंगे और अभी छोटे हैं, उनके लिए भी, कि हम उनको एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फल, पौधे, वृक्ष, पानी, हवा, शुद्ध सब मिले उनको, ये पोल्यूशन भरी ज़िंदगी ना मिले उनको। ये दोस्ती अगर हम अपनी प्रकृति से करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी प्रकृति को हमेशा सुरक्षित रखेंगे और आने वाली पीढ़ी हमेशा उसका सही रूप में इस्तेमाल कर पाएगी जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो प्रकृति के साथ अपनी दोस्ती करता है। तो हाथी और भंवरे की जो ये दोस्ती थी, ये एक बहुत बड़ा संदेश हमें देके गई है इस कहानी के माध्यम से कि हमें भी दोस्ती करनी चाहिए। किसके साथ? प्रकृति के साथ। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, तो हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि हम भी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा जीवन दें। थैंक यू।